हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं वाटर पंप की प्रॉब्लम। इस गाड़ी की वाटर पंप की बैरिंग टूट चुकी है और ये बेल्ट इसकी छटक चुकी है। ये बेल्ट जो नीचे आप देख रहे हैं, ये वाटर पंप सीज होने से इसकी बैरिंग टूट जाने की वजह से ये निकल चुकी है। तो हम इस गाड़ी में चेंज करने वाले हैं वाटर पंप, और इसकी ये टेंशनर पुली है जिससे बेल्ट टाइट रहती है। तो ये बेल्ट बाहर निकल चुका है इसकी बैरिंग टूट जाने की वजह से। हमने इसकी वाटर फैन असेंबली को बाहर निकाला है, यहाँ से एक बोल्ट खोलकर और एक राइट साइड में यहाँ पर बोल्ट होती है, हमने खोल दिया है यहाँ से वाटर पंप को। अब हम दिखाते हैं आपको वाटर पंप की कंडीशन। तो हमने बाहर निकाल दिया वाटर पंप, आप ये देख सकते हैं इसकी बैरिंग टूट चुकी है पूरी तरह से, और इसकी रोटर भी टूट चुकी है। ये ऐसा कुछ दिखता है, ये स्कॉर्पियो एमहक का ये वाटर पंप है एस सीरीज की। ये इसकी रोटर है जो टूट चुकी है। तो दोस्तों, हमने वाटर पंप फिट कर दिया है इंजन के में, और ये वाटर पंप जो देख रहे हैं ये इस जगह पर पहले गुना नहीं था, तो ये ओल्ड मॉडल का वाटर पंप है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये, हालांकि ये पहले एमहक में आता था तो हमने फिट कर दिया है। इसमें फ़ैन कसा हुआ होता है, लेकिन ये हमें वाटर पंप यही अवेलेबल मिला है तो हमने इसी को फिट किया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे दिखाता हूँ आगे बेल्ट फिट करके। तो दोस्तों, इसमें दो बेल्ट लगी हुई होती है, जिसमें से छोटा वाला जो बेल्ट होता है उसका नंबर होता है 4PK1115, और बड़ा वाला बेल्ट का नंबर होता है 4PK1171। अगर ये बेल्ट आपको ओरिजिनल मिलता है तो इसकी पार्ट नंबर होती है। तो जैसा कि हमने बताया था फ्रेंड्स कि ये 4PK1115 फैन बेल्ट है, ये छोटी वाली फैन बेल्ट है जो ये वाटर पंप पर चढ़ती है। तो पहले आपको इस तरह से बैठा लेनी है एसी कंप्रेसर और इंजन के ऊपर। वाटर पंप पर तो अभी नहीं चढ़ेगी, आपको ये 15 नंबर स्पैनर लेना है और इस टेंशनर को नीचे की ओर दबाना है ज़ोर से, जिससे कि ये दब जाए नीचे। तो आपको दिखाता हूँ ठीक से फ्रेंड्स। तो इसको कुछ नीचे की ओर दबाना है आपको, मैं कैमरा ठीक से सेट कर लूँ। तो यहाँ कैमरा लगाने की जगह नहीं है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो इस स्पैनर को आपको दबाना है, उसके बाद पुली पर चढ़। तो बड़ी वाली बेल्ट को चढ़ाने से पहले आपको पहले इंजन पुली के ऊपर चढ़ानी होगी, और नीचे स्टीयरिंग पंप के ऊपर इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसके टेंशनर को 17 नंबर पाने से इसको खींचेंगे, जिससे बेल्ट लूज हो जाएगी और चढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम कूलिंग फैन फिट करने वाले हैं। ये इसकी फ़ैन है, ये दो बोल्टों पर कसा हुआ होता है, तो इसको कुछ इस तरह से नीचे रखना है हमें। नीचे ग्रिप होती है, इसमें ये जाकर बैठ जाती है, तो इस तरह से बैठाकर नीचे ग्रिप बनी हुई होती है, खांचे बनी हुई होती है, तो इस तरह से हमें बैठा देनी होती है। और इसमें 10 mm का बोल्ट लगेगा, दो बोल्ट, एक इस साइड लगेगा और एक इधर भी लगेगा। तो यहाँ से आपको देख लेनी है सेंटर। तो इसकी फिटिंग करके और इसकी फ़ैन की जो कपलर होती है ये वाली, इसको लगा देंगे हम। इससे ज़ोर से दबाना होता है जिससे कि ठीक से लॉक इसकी बैठ जाए, और फाइनली लास्ट में ये बच जाती है ये कवर। तो इसमें 2 10 mm की बोल्ट होती है और 2 लॉक होती है। तो कुछ इस तरह से फिटिंग होती है वाटर पंप की। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना।
तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।